हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का एक और फैंटेसी प्रीव्यू में मुकाबला है यहाँ पे जिम्बाब्वे वर्सेस तंजानिया पहला दिन थोड़ा ऊबर खाबड़ था हमारे लिए इन दफ्रीका टी ट्वेंटी बट ऐसा ही कुछ टूर्नामेंट है कुछ सरप्राइजेस होंगे काफी इंजरीज एंड ड्रॉप कैचेस हमारे फेवर में नहीं थी बट आ जॉब इज टू डू अ गुड प्रिव्यू एंड टू ट्राई टू मेक द बेस्ट पॉसिबल टीम हम वही करेंगे आज भी सो द गेम ऑब्वियसली जिम्बाबे विल बी स्ट्रॉन्ग फेवरेट तंजानिया

स्मॉल लीग ऑब्वियसली नहीं खेलेंगे तो वो लाइन को आप ओमिट करिए मिनी जीएल आप खेल सकते हो इन एप्स पे एंड आप मिनी जीएल एक जो वन थ्री एट जीरो वाला है आप वो माई मास्टर पे खेल सकते हो बट ज्यादातर ऐसे गेम्स में मिनी जीएल ड्रीम इलेवन पे ही भरती है तो उस पर ही फोकस रखेंगे एंड एक्सचेंज पे साइन अप जरूर करिए रुपीज हंड्रेड ड्रियल कैश आपको मिल जाएगा अभी के अभी अब जो भी ये प्रिव्यू देख रहा है याद रखिए कि माई मास्टर इलेवन पे फिफ्टी थाउजेंड का फ्री गिव अवे है India T20. पे आप ज्वाइन कर सकते हो ऐप का लिंक है हमारा रेफर कोड है एफसी पी सिरली गिवेज है विजन इलेवन और दूसरे ऐप्स पे भी जो भी एप्स पे गिवेज एंड फ्री कॉन्टेस्ट है वो सारे ऐप्स के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं तो जरूर जाके साइन अप करिए अभी के अभी एंड एंजॉय करिए फ्री कॉन्टेस्ट तो ये हुई बात रिमेम्बर टू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब बढ़ते हैं आगे माई मास्ट इलेवन एंड एक्सचेंज साइन अप करना मत भूलेगा एंड आप चलते हैं वेदर रिपोर्ट की तरफ थोड़ी चांसेस ऑफ रेन है इस मुकाबले में तो इस बात का ध्यान रखेगा एंड अपनी इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंगली करिए इसलिए मैं मेनी एनजीएल इस मुकाबले में थोड़ा सा बेनिफिट मिल रहा था फ्रॉम द ट्रैक तो उस बात का ध्यान रखिएगा एल सर स्टैंडर्ड बैटिंग ट्रैक बट द काइंड ऑफ बोलर हु कैन होल्ड द पेज बैक उन्हें कुछ मदद मिल सकती है फ्रॉम द ट्रैक ज्यादातर एक चेजिंग वेन्यू है यहाँ पे

एंड दूसरे थे कुमार्टी ये दोनों प्लेयर्स ने अपनी स्पिन बोलिंग के साथ प्रभावित किया एंड अनिल की जो बैटिंग थी वो भी काफी डिसेंट थी तो ये दो प्लेयर्स बिल्कुल ट्राई करेगा उसके अलावा जो बाकी के प्लेयर्स है वो हम डिस्कस करेंगे अभी वेन वी मेक तो वी स्टार्ट विद द कीपिंग सेक्शन एंड यहाँ पे आपके पास तीन चॉइसेज है एंड तीनों ने लास्ट गेम खेला बट आई स्टिल गो विद मदानदे एज मुझे लगता है कि कीपिंग पॉइंट से काफी वैल्यू आपको दे सकते हैं फिर चलते हैं बैटिंग सेक्शन की तरफ क्रेग अर्विन यहाँ पे एक स्टेबल चॉइस है अपना समय लेके खेलते हैं तो ऑब्वियसली लॉर्ड ऑफ फैंटेसी वैल्यू इन दैट परसपेक्टिव बैटिंग चॉइसेस की तरफ बाद में आएंगे पहले पिक करेंगे बाकी के ऑलराउंडर्स एंड बोलर्स तो ऑलराउंडर्स की बात की जाए सिकंदर राजा एंड शॉन विलियम्स दोनों ही स्ट्रेट फॉर्वर्ड चॉइस है शॉन विलियम्स भी लास्ट गेम में जल्दी आउट हुए थे बट एक ऑल टाइम क्लासिक प्लेयर है रिसेंट ओडीआई फॉर्म भी उनका अच्छा रहा था तो ऑब्वियसली आप इन्हें ड्रॉप नहीं करोगे राइन बॉल की भी ठीक ठाक पारी आई थी इन द लास्ट गेम जैसे मैंने कहा एस ठाकुर की अच्छी परफॉर्मेंस थी इन द लास्ट गेम जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस था डेफिनेटली आपकी टीम में एक स्लॉट उन्हें मिलना चाहिए अनिल भी एक ठीक ठाक चॉइस है बाकी बोलर्स की बात की जाए तो ब्लेसिंग मुजुबानी एनग्रावा एंड मसर आट्सा आप तीनों को नहीं छोड़ना चाहोगे एस तीनों की इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हाई हो सकती है और मेरे हिसाब से तीनों जीएल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस भी है एंड स्पेशली विद द पेसर्स दे बोल फर्स्ट विद द स्पिनर्स दे बोल सेकेंड बात करें बाकी के प्लेयर्स की तो जैसे मैंने कहा ए अनिल को आप पिक कर सकते हो एज द सेकेंड तंजानिया प्लेयर एंड बैटिंग सेक्शन से इफ यू वॉन्ट टू गो लिटल बिट सेफर आप जा सकते हो विद वेल्स पता है कि द तंजानिया बोलिंग इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग तो वहां से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इन टर्म्स ऑफ अप टॉप हेंस मैं जा रहा हूँ विद वेल्स इन दैट पर्टिकुलर स्लॉट

तो ये ये हुई बात ऑन और बेस टीम आप चलते हैं रोटेशन की तरफ एंड कौन से रोटेशन आप कर सकते हो तो बेसिकली जो आपकी ओवरऑल बेस टीम होगी ऐसी रहेगी आप एक दो चेंजेस ही करोगे यहाँ वहां डोंट ट्राई एनीथिंग एक्सट्रीम जैसे अगर आप 20 टीम्स बना रहे हो तो राजा को 15 या 16 टीम से मत छोड़ देना ट्राई टू तो कीप द इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन मेजोरिटी टीम्स एज बहुत ही अच्छा चांस है कि एक वन साइडेड गेम हो एंड वन साइडेड गेम्स में जनरली रोटेशन करना थोड़ा सा आसान हो जाता है तो ये हुई बेस टीम की बात अब रोटेशन की बात की जाए तो कीपिंग सेक्शन से डेफिनेटली क्योंकि मरदादे थोड़े लो आते हैं पॉसिबल है कि कीपिंग पॉइंट अगर ज्यादा नहीं मिले एंड बैटिंग का चांस ना आए तो फिर यहाँ पे राजीवन एक ठीक ठाक चॉइस है आप इन्हें भी ट्राई कर सकते हो इन द बैटिंग सेक्शन क्योंकि हमें पता है कि विद ऑल द जिम्बाब्वे टॉप ऑर्डर बैटर्स उनका फॉर्म थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है फ्रॉम द नामेबिया सीरीज एंड कल भी इन फ्रंट ऑफ नामेबिया उनका फॉर्म कुछ खास अच्छा नहीं था

द टू तंजानिया आप यहां से एक प्लेयर को छोड़ के काल मुंबा को भी ले सकते हो एस प्रॉब्लम क्या होती है ऐसे गेम्स में स्लाइटली डिफिकल्ट टू विकेट्स कौन लेगा फ्रॉम द स्ट्रोंगर टीम ऐस हो सकता है कि जो स्ट्रोंगर बोलर है उन्हें प्ले आउट किया जाए एंड फिर वीकर बोलर्स को टारगेट करने के चक्कर में वहां पे विकेट गिरे तो इस पॉइंट का बिल्कुल ध्यान रखिएगा तो काल मुंबई यू कैन ट्राई फ्यू टीम्स किमोते एंड जुम्बे को आप ट्राई कर सकते हो स्पेशली इफ तंजानिया बोल्स फर्स्ट यहाँ से मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ दोनों ऑलराउंडर्स को बाकियों का खेलना थोड़ा अनलाइकली है एंड फ्रॉम द बैटिंग सेक्शन निक वर्ल्स एंड मारूमनी तो बेसिकली आपको जिम्बाबे के सारे प्लेयर्स को रोटेट करना पड़ेगा इन डिफरेंट सिनारियोज जैसे अगर आप एक टीम बना रहे हो जहां पे जिम्बाबे फेवर्ड है विद स्पेन उस केस में कीपिंग पॉइंट्स के चांसेस ज्यादा है तो वो विद द तंजानिया कीपर सेम फॉर द बैटिंग सेक्शन जहां पे आप जिम्बावे टॉप ऑर्डर को ले रहे हो वहां पे ट्राई टू द पेस आउट एंड गो विद बोथ द तंजानिया ऑलराउंडर्स वाइल जहां पे आप जिम्बावे टॉप ऑर्डर पे रिस्क ले रहे हो वहां पे आप तंजानिया के पेसर्स के साथ बिल्कुल जाइएगा तो यही चीजें हैं एंड ज्यादातर तो आसान बन जाता है वहां पे स्पेशली यू गो विध ऑल ऑफ दिम्बाबे बोलर्स एंड आप, आप जिम्बाबे के टॉप टू थ्री बैटर्स को लेके जाइए एंड कैप्टन वाइस कैप्टन आप सारे बोलर्स में ही रोटेट करिए क्योंकि पॉसिबल है कि कुछ खास बड़ा स्कोर हमें ना देखने को मिले तो इस पॉइंट पॉइंट का बिल्कुल ध्यान रखिएगा एंड ये थे मेरे थॉट्स ऑन दिस स्पेसिफिक गेम रिमेंबर टू जॉइन अस एट द रेट फैंटेसी क्रिक प्रो ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम जो भी फाइनल टीम्स है अपडेट्स है सब कुछ आपको वहीं पे मिलेंगी एंड लाइक ऑलवेज रिमेंबर टू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जल्दी मिलेंगे एक और रिव्यू के लिए थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग एंड